हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सर, जो आज चुनावी नतीजे आए हैं, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या? मुझे लगता है कि उत्तराखंड की धरती तो भाजपा में पहले से ही थी और 5 की 5 सीटें हम भारी बहुमत से, लाखों मतों से जीतेंगे, ये सभी लोग जानते थे। तो जो हमारा संकल्प था कि 5 की 5 सीटों को जीतेंगे और तीसरी बार लगातार जीतना, ये छोटी बात नहीं है। तो हमारा जो संकल्प था वो भी पूरा हुआ है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना है, बनाने के लिए मत दिया है, वो तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो स्वभाव की है कि उत्तराखंड में ये लोग हर्षित हैं, उल्लसित हैं, जिज्ञासु है कि जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री फिर शपथ लें। तो मैं अपने 5 के 5 जो हरिद्वार से त्रिवेंद्र जी से लेकर फिर टेहरी महारानी जी, उधर पौड़ी अनिल जी, फिर अजय भट्ट जी और अजय टमटा जी, पांचों लोगों को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ और विशेष करके कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया, रात और दिन खप करके काम किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ मेरी पार्टी का नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलता है, वहाँ सरकार का काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये दोनों का भी बेहतर समन्वय होता है। हरिद्वार में काफी रस्साकसी देखने को मिली, क्या हरीश रावत अपने बेटे के लिए काफी लड़ाई लड़ी, क्या कहेंगे, क्या राजनीतिक उनका भविष्य दांव पर लगा था, नहीं लगता? नहीं, वो तो उनका बेटे थे तो उन्होंने अपने बेटे के लिए कोशिश करनी ही थी, लेकिन हमारी पार्टी मजबूत है। हरिद्वार में हमने बिल्कुल गांव गांव तक छाना है, हरिद्वार में हमने पूरा पंचायतों में ग्राम प्रधान तक, पहली बार हरिद्वार में बीजेपी का ऐसा गढ़ बना है। तो हमारी वो बहुत अच्छी सीट है और मुझे खुशी है कि हम लाखों मतों से। अच्छा सर, आखिरी सवाल, जो 400 पार का नारा था वो पूरा नहीं हुआ, उस पर क्या कहेंगे? लेकिन ये नारा तो पूरा हो गया ना कि अब की बार मोदी सरकार बन रही है। हमारा मुख्य लक्ष्य था तीसरी बार मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, वो हमारा सपना पूरा हो रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रमेश कुमार निशंक, जो बता रहे थे कि जो ये जीत है ये सीधे कार्यकर्ताओं को समर्पित कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों को समर्पित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो 5 सीटें जीतना पहले से तय था, जिसकी आज बान की देखने मिली है। कैमरा पंकज तलवार के साथ में रजनीश दीक्षित। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।